अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? ठीक है। आज हमारे घर डीप क्लीनिंग हो रही है क्योंकि हमारे घर आ रहा है मिलाद। और देसी चीज़ सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब आपके घर कोई इवेंट होता है ना, आपका पूरा घर साफ़ होता है। जैसे पता नहीं, लोगों ने आपकी अलमारियाँ खोल खोल के देखनी है अंदर क्या पड़ा है, आपका शू रैक देखना है, उन्होंने आपके किचन के कैबिनेट्स देखने हैं कि अंदर पतीलियाँ किस तरह रखी हुई हैं। तो जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो हर देसी घर में यही सारा कुछ होता है। तो हमारे घर भी आज यही हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रही, मैं अपनी मेड से करवा रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा मैं कर लूँगी तो मैं थक जाऊँगी, फिर मेरे से कोई कुछ भी नहीं होता, फिर मेरे से बोला भी नहीं जाता जब थक जाती हूँ तो। अच्छा, तो गाइज आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा कि हमारे घर पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत ज़्यादा ही पसंद किए जाते हैं। तो अब हमारे घर यहाँ पे ना पराठे बन रहे थे, ये गोभी वाले पराठे बन रहे हैं। वैसे हमारे घर आलू वाले भी बनते हैं, गोभी वाले भी बनते हैं, मूली वाले भी बनते हैं, हर तरह का पराठा हमारे घर बनता है। The next morning. और गाइज अब ये यहाँ पे मैं अपने मामा पापा के साथ बाजार जा रही थी, और मामा जा चुके हैं और मैं और बाबा जा रहे हैं अब। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर से। अब बाज़ार में हमारे थोड़े छोटे मोटे काम रह गए हैं, बस हमने वो करने हैं। तो इंशाल्लाह बस जल्दी से हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत सारी शादियां हैं जो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करनी है। अभी हम लोगों ने ना बाज़ार से मम्मा के लिए लाइनिंग्स लेनी थी। मम्मा ने अपने सूट बनाया ना जो मम्मा ने शादियों पर पहनी है। हमें पूरे फेब में शादियाँ, तो उसके लिए हमें ढेर सारे कपड़े चाहिए थे। तो मेरी मामा ने ना कपड़े खरीदे थे, तो वो स्टिच कराने के लिए ऑब्वियसली आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने लाइनिंग मैच करनी है, और इसमें आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपके कलर सेम हो जाएं, ये बड़ी कह लें कि खुशकिस्मती की बात है, वरना आपको ढूंढ के मैचिंग करनी पड़ती है। और अब हम यहाँ पे ना मेरी बहन की शर्ट है उसके साथ ट्राउज़र मैच कर रहे थे। तो ये शैमरे की शर्ट है, इसके साथ शैमरे का ट्राउज़र मैच ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल होती है मैचिंग में, मेरी तो तौबा हो गई है, क्या करे बंदा। ये देखें लोहे कुरानी, ये कलमा लिखा हुआ है और ये दुरूद इब्राहिम लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना विजिबल नहीं है। दुरूद इब्राहिम है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा बिल्कुल। 15 minutes later. और अब मुझे भूख लग गई थी शदीद वाली, तो मैंने सोचा कोई बिरयानी शरियानी हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से बिरयानी खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने यहाँ से बिरयानी खरीदी है, और ये थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भूख के टाइम पे कुछ भी आपको ना मिल जाए तो आप शुक्र ही करते हो। अच्छा, तो गाइस अब मैंने ना कैन का कपड़ा लेना है, क्योंकि मैं रेडीमेड कैन नहीं ले रही, मुझे ना चाहिए, मैंने कपड़ा ले खुद स्टिच करवानी है। तो हम ढूँढ रहे हैं किसी के पास अनस्टिच हो, वो है उनके पास। अब यहाँ पे हम मामा के दुपट्टे पीको करा रहे थे, जिनकी अभी हमने ना लाइनिंग ली है ना, ये वही सूट है, उनके साथ मैचिंग दुपट्टे हैं। और मम्मा को आदत है, मम्मा कभी भी सादा दुपट्टा सादा पीको के साथ नहीं लेती, वो हमेशा ऊपर कुछ ना कुछ लगवाती हैं। गाइज ये अब हम लोग एक शॉप पे आए थे, और ये मेरे पापा के जानने वाले निकल आए, तो मेरे पापा यहाँ पे ना उनसे हेलो हाय करने खड़े हो गए। और साथ में मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह देखनी थी, और ये देखें आजकल जैसे वो ट्रेंडिंग है फ्लावर वाली ज्वेलरी ना, वो सारी यहाँ पे लगी हुई है। और इसके अलावा ये जो प्रॉप्स हैं, हाला की शादी, मामू की शादी, और इस तरह की सारी जो कह लें कि मेहंदी की जो चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.